ओम शांति। आज की तारीख है 7/5/23 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की तारीख है 26/11/94 की मुरली। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, मीठे मीठे प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा बोले कि आज बाप दादा हरेक बच्चे के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीरें चमक रही हैं। एक है परमात्म पालना की भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर, तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने की भाग्य लकीर, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। हरेक को इस जीवन में 3 प्राप्तियां होती ही है, पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य को बनाने के निमित्त बनते हैं। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंच है तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पौत्रे कौन है और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनते। आप और थोड़ी सी आत्माएं और इस भाग्य के पात्र बनती हैं। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना का मिलता है। दैवी पालना और मानव पालना ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये परमात्म पालना श्रेष्ठ है और वो अब नहीं तो कब नहीं। अच्छा, अब ऐसी पालना श्रेष्ठ देने वाले मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के द्वारा याद प्यार सुनेंगे। तो चारों ओर के सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का कि स्नेह की गिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मेहनत से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़े?
बाप के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेह की अविनाशी लिफ्ट उड़ती कला का अनुभव कराती है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती, लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट के द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसीलिए अविनाशी स्नेही बनो अच्छा स्लोगन है। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति।